ये देखो बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हुआ है यहाँ पे, अभी बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है, भीड़ बहुत है यहाँ पे, आवाज ही नहीं आ रही है। वेलकम बैक टू चैनल, होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं वापस मांडी करी से, मांडी करी से गोवा के लिए। तो अभी वापस चल रहे हैं, अभी ये छोटी ट्रिप रख रहे हैं इस बार, ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहे इसको, क्योंकि ये आगे रामेश्वरम साइड जाना होगा नहीं, गर्मी है और मतलब ये जगह हमने एंजॉय कर ली खूब। हाँ मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं अभी रामेश्वरम मत आओ क्योंकि उधर बहुत गर्मी है अभी। हाँ, तो वहाँ वो बरसातों में प्लान करते हैं दोबारा। हाँ, या एक महीने में मतलब लगभग हाँ, मतलब, एक या दो महीने हाँ, लगेंगे और वापस से एक बार फिर प्लान करेंगे। बाकी अभी ऐसी छोटी छोटी ट्रिप आपको मिलती रहेंगी, दो दिन तीन दिन, इससे ज्यादा रुकना भी सही नहीं है। ओ भाई साहब कहाँ पे रास्ता पूछ रहे हैं, ये जगह हमने ना काफी एंजॉय की, अच्छा लगा कुर्ग। हाँ। और घूमने के लिए मतलब गर्मियों में अगर आप आना चाह रहे हो तो अच्छी जगह है, ठंडी अच्छा, है। तो कुर्ग से ना एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सपोज जैसे आप कुर्ग आ रहे हो और नेविगेशन लगा के आ रहे हो तो कुर्ग मत डालो, मदिकेरी डालो, क्योंकि कुर्ग का कैसा है वो कहीं और ही पहुँचा देता है। हाँ वो बहुत 40 किलोमीटर और आगे दिखा रहा था हमें, अगर हम कुर्ग डाल लेते तो। हाँ, बिकॉज़ जो मेन टाउन है वो मडिकेरी है और उसके बाद आसपास आप घूम सकते हो। और क्योंकि ये मुझे भी कहाँ से पता चला था, मैं कुर्ग का ऐसे ही देख रही थी तो किसी ने नीचे डाला हुआ था, मतलब जब मैं नेविगेशन चेक करी तो गूगल पे किसी ने लिखा हुआ था कि नेविगेशन लगा के मत जाना, मडिकेरी का लगाना नेविगेशन। हाँ। एंड ही वाज राइट, और मेन टाउन यही है। हाँ। कुर्ग एरिया का, बाकी यहीं से आपको होम स्टे मिलने शुरू हो जाएंगे, अभी यहाँ से ही शुरू हो गए होम स्टेज और ये रुकने के लिए मतलब ऑप्शंस। हाँ। तो यहाँ पे भी रुकना चाहो, नीचे भी रुक सकते हो, पर ऊपर जाके थोड़ा ठंडा रहता है और व्यू अच्छा है। हाँ, कंपैरेटिवली ऊपर अच्छा है। हाँ। तो चेकिंग आज भी काफी मिलने वाले हैं क्योंकि कल है इलेक्शन, थोड़ा सा हम उस वजह से भी निकल गए कि भाई कल इलेक्शन है, फिर इलेक्शन का माहौल ऐसा ही होता है, कुछ पता नहीं होता, आधी चीजें बंद रहती हैं। हाँ, तो इसलिए कि आज ही निकल लेते हैं कल का। वैसे मैं सोचा था कि कल सुबह सुबह निकलेंगे, पर अब दोपहर में थोड़ी सी बस नींद आने का आती है हल्की हल्की, तो कहीं गाड़ी रोक लेंगे। पर गर्मी में अभी नीचे आके ना पूरा गर्म हो गया, चिपचिपा वाला वेदर हो गया है, ऊपर अच्छा था, 30 किलोमीटर नीचे आते ही एकदम पूरा वेदर चेंज हो गया। तो यहाँ पे ना रबर की बहुत ज्यादा प्लांटेशन है, जैसे आप ये देख पा रहे हो साइड में पेड़ों पे कट लगे हुए और नीचे कुछ पन्नियां सी बंधी है, तो ये रबर के पेड़ है यहाँ पे बहुत है, और मतलब ऊपर से हम नीचे तक आ गए काफी दिखे बीच बीच में बड़े बड़े खेत। सुलिया और अभी भी मैंगलोर है यहाँ से अराउंड 85 किलोमीटर के आसपास, 90 या 85 है। हाँ, तो लगभग मैंगलोर के लग जाएंगे यहाँ से, 2 घंटे तो आराम से लगने ही लगने हैं मोनिका। हाँ, बिकॉज़ कैसा होता है आगे जाम भी मिलता है, ट्रैफिक भी थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, फिर भी हम फास्ट आए हैं, अभी 1 घंटे में लगभग हम 50 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है, 1 से 1.25 घंटा। हम चले थे लगभग 12:30 बजे। हाँ, 12:30, हाँ 12:30 ही चले। हाँ, तो होपफुली 3:30 तक हम पहुंच जाएंगे शायद, 3:30 तक, 3:30 नहीं तो 4 है। हाँ, मैंगलोर। हाँ। और सेम रूट ले रहे हैं जाने का, मैंगलोर उडुपी वही अपना जिससे आए थे, पोस्टल वाला रोड सबसे शॉर्ट है। तो और भी कई सारे पॉइंट थे इधर, बट वो सारे ना वाटरफॉल थे
और उन वाटरफॉल पे मतलब जाने का कोई फायदा नहीं जब वाटरफॉल एक्टिव ही नहीं है अभी, मतलब तो पता हाँ। किया तो वहाँ पे एक्टिव नहीं थे, बहुत इतना इतना सा पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, तो फिर वो बरसातों के हिसाब से अच्छा है, जब बरसातें होंगी तो उसके बाद में फिर वो खूबसूरत हो जाएंगे। हम आ गए अभी हाईवे पे जो NH-75 है, और उत्तर उत्तर ये सब चीज़ें जो है क्रॉस कर दी, मगर अब ये रोड ना टूटा हुआ मिलेगा काफ़ी, ये पूरा काम चल रहा है यहाँ पे हाईवे का, तो अभी इस पे तो मतलब जाम भी रह रहा है और जगह जगह टूटा फूटा मिल रहा है, कहीं पे डबल हो जाता है कहीं पे सिंगल, इस तरह से है पूरा। और हरविंदर ने पुत्तूर को भी पुत्तर कर दिया। पुत्तूर है वो? हाँ। पुत्तर लिखा था PUTTUR पुत्तर। मतलब पंजाबियों के लिए पुत्तर ही हो। हाँ, ये मानी अभी क्रॉस किया हमने पीछे, तो अभी मैंगलोर ज्यादा दूर नहीं बचा, हार्डली एक घंटा लगना चाहिए। और ये देखो धूल, अच्छा ऐसी से बंद है। तो अभी दोबारा पहुंच गए हम मैंगलुरु, और मैंगलुरु में पड़ा है पूरा 140 किलोमीटर जो थी है मडिकेरी से 140 किलोमीटर पड़ा, पूरा 3 घंटे लगे पहुंचने में यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं ये पब्बास, तो काफ़ी लोगों ने बोला था, तो गर्मी भी हो रही थी, सोचा कि चलते हुए यहाँ पे खा के चलते हैं आइसक्रीम पहले। क्या क्या खाना है? पब्बास आइडियल कैफे। भूख भी लगने लगी हल्की हल्की ना, तो हमने ऑर्डर कर दिया है, भीड़ बहुत है यहाँ पे, आवाज़ ही नहीं आ रही है। हमने ऑर्डर किया है केसर, और मोनिका ने ऑर्डर की है पिस्ता, बाकी काफ़ी सारे आइटम हैं, अभी बस चेक कर रहे हैं हम। तो भीड़ देखो, रस बहुत है। ये आ गई आइसक्रीम अपनी, मस्त है, इन्होंने लिए पिस्ता दोनों ने। तो जी आइसक्रीम खा ली, मज़ा आया वैसे आइसक्रीम खाने में, बहुत बढ़िया लगी। और ये देखो कि सामने जितने बाहर लोग खड़े हैं ना, ये सब वेटिंग चल रही है यहाँ पे, काफ़ी वेटिंग रहती है यहाँ पे यार। मोनिका सारे में ये वेटिंग है पीछे, और हम कितने सही टाइम पे आ गए थे। हाँ बिल्कुल टाइम पे खा के और निकल भी गए हम। तो जी आइसक्रीम हो गई खा ली, बहुत मतलब जैसा सुना था नाम वैसा निकला, मज़ेदार थी, अच्छी थी। मुझे तो ड्राई फ्रूट आइसक्रीम बहुत पसंद आई। हाँ मुझे भी अच्छी लगी। और अभी हम निकल गए हैं, तो मैंगलोर अभी रुक नहीं रहे हैं, गर्मी है थोड़ी, आएंगे दोबारा से फिर एक्सप्लोर करेंगे और सब से मिल के भी जाएंगे इधर, तो वो आएंगे हम बारिश हो के पास आस पास मतलब 1 या 2 महीना बस। और मैसूर जाने का भी प्लान था, पर मैसूर गए नहीं क्योंकि गर्मी हो रही। हाँ नहीं चलो, उधर तो हिल स्टेशन था, पर जैसा कोर्क था सेम ऐसा ही लगता उधर भी, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी निकलते हैं बस वापस, और सब ये ना दोबारा से फिर करने आएंगे दोबारा अगली ट्रिप पे, तो छोटी छोटी ट्रिप बनाते रहेंगे, क्योंकि अक्षु को जाके पार्टी करनी है, तो इसलिए भाई वो परेशान है अपने दोस्तों के साथ में, उसे पार्टी करनी है। फिलहाल हम बेंगलोर से निकल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30-5 का, लगभग उडुपी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी पास ही मतलब 10 किलोमीटर बचा होगा हार्डली। और शुरू में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अभी ये जैसे भाई साहब ने कट मारा था ना, बस मेरे नीचे कोई आ रहे थे बाइक से, तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और ये हाईवे पे मतलब उस दिन बहुत ट्रैफिक मिला था जिस दिन हम आए थे, आज फिर भी उसके मुकाबले कम है अभी, उसका रीजन है उस दिन रैलियाँ थी एक तो, और कल है इलेक्शन, तो आज ट्रैफिक थोड़ा कम है, आज पुलिस भी नहीं मिली अभी, बाद में एक ही जगह गाड़ी चेक हुई थी बस, उसके बाद में आज कहीं पे पुलिस वालों रोका नहीं आते हुए, रोकेंगे तो उडुपी के आगे रोकेंगे कहीं ना कहीं।
उधर की तरफ लगे होंगे जरूर, ये गोकर्णा के आसपास जो बॉर्डर एरिया है ना उधर की तरफ ज्यादा रहता है, जो गोवा बॉर्डर की साइड। थे बीच पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, मैंने जब आया था तब दिखाया था, इस बार भी ट्राई करेंगे कि सनसेट अगर वहां पे देखने को मिल जाए तो कैसा लगेगा। वैसे वहां पे सनसेट अच्छा व्यू आता होगा हाईवे से भी, है ना, ऊंचे पे है ना हाईवे, बट अगर ऐसे बादल रहे तो सनसेट नहीं दिखेगा। हाँ, तो कुंदापुर वगैरह सब क्रॉस हो गया अपना। और ये देखो ये पीछे बंदा ना ये लगाओ बैठा है हेडफोन, और उसको कितनी भी आवाजें लगा लो ये सुनता ही नहीं, कुछ नहीं सुनता, कुछ भी थप्पड़ मारना पड़ता है सुनाने के लिए। अभी वो मस्त है अपने, अट्टू अक्षु। हाँ ये देखो अभी से पता चला, कुछ मुझसे कह रहे थे ना? ना ना नहीं, किसी और का नाम अक्षु तो क्या कह रहे थे मुझसे इतनी देर से तेरी तरफ कैमरा कर रखा है, कुछ तो हेलो हाय कुछ तो बोलते। हेलो अक्षु करने वाला है अब लुंगी डांस, क्योंकि अक्षु ने बोला था कि मैं लुंगी डांस करूंगा जैसे ही तमिलनाडु जाऊंगा। तमिलनाडु नाड़ी तो गया ही नहीं, तो वो तेरे इसका फ्रेंड है एक, वो उससे इसने सीखा था। क्या नाम है तेरा फ्रेंड जो है तमिलनाडु का? सीखा नहीं था। तो अभी ये लुंगी डांस करने वाला है, करेगा लुंगी डांस? ना ना उसने नहीं सिखाया, उसकी गलती। तो उससे कहना कि सिखा दे तुझे, जिस दिन तमिलनाडु जाएंगे उस दिन लुंगी डांस पक्का अपना। चलो यहाँ पे अब पीते हैं थोड़ा चाय वाय, बिकॉज भूख लग रही है, थकान सी भी हो गई, भूख तो ही लग रही थकान सी हो रही, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा यहीं पे बीच साइड ही। तो मारवंथे तक फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा था मुझे, लेकिन वहाँ से जैसे ही आगे निकले हैं तो अभी ट्रैफिक कम हो गया है, मतलब ये देखो बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हुआ है यहाँ पे, अभी बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है गाय से, बाइक का गाय पड़ी आगे और बंदा वो खून खून पड़ा है उधर। हाँ। और गाय पड़ी है, गाय और बाइक टकराई है तकड़ी होके। हाँ। उसको उठा तो बाइक उधर पूरी टूट गई है। हाँ, उठा रहे वैसे तो लोग आ गए सब। हाँ, पर ट्रैफिक पूरा रोक दिया अभी। हाँ। ये रोज हादसे होते हैं इस तरह के, और बाइक कितनी तेज होगी, गाय भी ऐसी पड़ी हुई है अभी। उसको उठा के साइड किया, नहीं गाय होश में है वैसे, वो जुगाली कर रही है। नहीं नहीं कहाँ कर रही है, नहीं कर रही। हाँ, पर कुछ थोड़ा हिल रहा है, उसका भी मुंह हिल रहा है। हाँ। कमजोर होती है कई बार ना, कि काला वो जल्दी से दिखता भी नहीं है। सीरियसली ना, मैं इसीलिए बहुत स्लो चल रहा हूँ, कितनी गौशालाएं बनती हैं बट क्या ही कह सकते हैं।
नहीं कर सकते इस चीज़ का, इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है अभी तक, और रोज हादसे हो रहे हैं, रोज हादसे हर रोज। तो रात पहुंच गए थे घर हम, लगभग 10 बजे पहुंच गए थे, और जो एक्सीडेंट देखा ना सच में उसको देख के मेरी अंदर से रूह कांप गई। जो मैं मतलब अपनी गलतियां करता था ना उनका एहसास हो रहा हुआ धीरे धीरे कि भाई यार मैं एक बार बाइक पे ऐसे ही लेके मतलब कहीं भी निकल जाता था अक्षु को, मोनी को, और रात के 2-2 बजे हम चले जाते थे मसूरी वगैरह ये सब जगह दिल्ली से। तो वो चीज़ें देख के मतलब बहुत डर लगता है आजकल रोड पे ना, बहुत खतरा है। सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो गाय से होता है आज की डेट में, उस टाइम पे गायें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी खैर, पर फिर भी रिस्क तो है ही है। दो एक सालों में अभी बढ़ी है, बट जो भी है जैसा भी है आप ये सोचो मतलब हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हम क्या करते। बिल्कुल, और साथ में अक्षु भी होता था, तो वो चीज सोच के मैं ना अंदर से बहुत डरा, मतलब यार कभी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा भाई, आप अगर 2-व्हीलर पे जा रहे हो या 4-व्हीलर पे भी, मतलब देखो रिस्क तो हर जगह रहता है, पर अपनी तरफ से पूरा संभल के चलना पड़ेगा। स्पीड कंट्रोल रखो, सबसे बड़ी बात स्पीड अपनी कंट्रोल में रखो, जिसको आप रोक सको सडनली कुछ भी आए तो। बिल्कुल, स्पेशली रात में। बाकी हम पहुंच गए थे रात आराम से घर, बहुत धीरे धीरे उसके बाद चला मैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 460 किलोमीटर टोटल मुझे वहाँ से पड़ा था, और हम 9 घंटे में यहाँ पहुँच गए थे, 9.5 घंटे लगे हमें पूरे मतलब पहुँचने में। तो और जिसमें क्या 1 घंटा लगभग हम रुक गए थे मोनिका वहाँ पे मैंगलोर में, जो हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, वो आइसक्रीम का टेस्ट भी अच्छा लगा बोल दो। हाँ, बाकी इस ट्रिप पे हमें मतलब फुल मजा आया, बहुत एंजॉय किया। छोटी ट्रिप रखी क्योंकि इधर के काम भी हमें देखने थे और बहुत सारे इधर के काम भी करने हैं, प्लस अभी क्या है ऐसी छोटी छोटी ट्रिप हम करते रहेंगे, जिससे क्या अक्षु की पढ़ाई वगैरह भी वो डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा, और हमारा भी मतलब ये है कि भाई ट्रिप का शौक है वो पूरा होता रहे। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा आपको वीडियो देख के। बाकी एंड में बस सबसे यही बोलूँगा भी सेफ चलो, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ भी मतलब गलत ना हो, क्योंकि आपको घर पहुँचना है और घर पे बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, बाकी शेयर भी करना आगे इस वीडियो को, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते आगे ऐसी किसी अगली ट्रिप की वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।